कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, अपने घर में रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ पेंटिंग ब्रश की, जो कि कैमल के हैं। ये चार ब्रश हैं और भी आने हैं, चार ब्रश हैं बाकी, वैसे मेरे पास हैं तो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं थी इतनी, बट मैंने थोड़े ऑर्डर करे थे इसलिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस तरीके से एक सीधा करते हैं, इसे थोड़ा सा फोल्ड है ना, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा है, इस तरीके से इसमें पीछे लिखा हुआ है। इन्हें पहले ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसे पॉली से निकाल लिया है, इसकी पॉली है, देख सकते हैं आप, ठीक ठाक क्वालिटी की है। और यहाँ पे ब्रश है, फटाफट से ब्रश देखते हैं। तो यहाँ पे हमें नंबर्स लिखे हुए हैं ब्रश के, जो कि राउंड ब्रश है, राउंड ब्रश 0 और 2 है, फ्लैट है 2 और 6। दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसे देखिए। तो फटाफट से सबसे पहले इसे शुरू करते हैं। ये है हमारा फ्लैट ब्रश, जो कि डार्क पिंक कलर का है और बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे हम अच्छे से कलर सीखेंगे। अच्छा है ना ब्रश गाइस? ये कितने नंबर का है ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा भी हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। कैमलिन चैम S65 फॉर पोस्टर वाटर 35। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना हुआ है और 6 लिखा हुआ है। तो चलिए गाइस अपना दूसरा ब्रश देखते हैं। तो दूसरा ब्रश हमारा ये ब्लू कलर का है, जो कि डार्क ब्लू कलर में आया है। ये से थोड़ा सा छोटा है, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ब्रश है, बहुत ही अच्छा ब्रश है गाइस। ये इस पे भी लिखा हुआ है कुछ, पर यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसे रख के पढ़ती हूँ, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है गाइस। यहाँ पे लिखा हुआ 2 कैमलिन चैम 6.25 कुछ इस तरीके से, और इसमें 35 लिखा था गाइस, जो डार्क पिंक वाला था। अब ये पतले वाले लेते हैं। हमें यहाँ पे पतले वालों में ये राउंड वालों में इस तरीके से ये बना हुआ है, शायद इसका निकल गया होगा। तो ये हाईलाइटेड कलर में है ब्रश, ये हाईलाइटेड कलर में है, अच्छा ब्रश है ये भी, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कितना अच्छा ब्रश है। ये शायद 2 नंबर का है। अब ये वाला के ऊपर ये प्लास्टिक का ये लगा हुआ है होल्डर, ये बहुत ही अच्छी प्लास्टिक है, जो कि मुड़ भी नहीं रही है, बहुत ही अच्छी प्लास्टिक है। देन हम ये लेते हैं हमारा ब्रश, ये वाला ब्रश हमारा कौन से कलर का है? ये वाला ब्रश हमारा ग्रीन कलर का है। वाओ, ये तो इससे भी अच्छा है, फटाफट से कलर कर लेते हैं। तो ये हमारे सारे ब्रश हैं, मैंने कैमलिन के ही के लिए मैंने आपको बताया था पिछली बार में, क्योंकि कैमलिन मुझे बहुत अच्छी लगती है ब्रांड, इसलिए मैं कैमलिन के लेती हूँ। ये सारे हमारे 4 ब्रशेज हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, देखते हैं। और ये इसका बॉक्स है, यहाँ पे इस तरीके से देखिए थ्रेड लगे हुए हैं इलास्टिक वाले, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसकी इलास्टिक है, पीछे भी इन पे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं गाइस। पहले लिखा हुआ है कैमलिन चैम वाले ब्रशों के बारे में, ऑर्डर कैमलिन चैम ब्रशेस, हाउ टू टेक केयर ऑफ ब्रश इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं इसे इजीली, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, लीजिए फटाफट से पढ़ लीजिए। तो इसकी MRP कितनी है? MRP इसकी 80 रुपीज है, आप भी इसे बाय कर सकते हैं, मैंने अमेजोन से 70 रुपीज के लिए थे ये, ठीक है गाइस, आप भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे ब्रश हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं, और भी मजा आएगा आपको पेंटिंग करने में, और हमें भी मजा आएगा पेंटिंग करने में गाइस। अब चलते हैं मस्ती टाइम में, और मैंने आपसे बोला था कि मैं स्केच पेन्स की भी अनबॉक्सिंग करूंगी, तो गाइस इस बार मैं नहीं कर पाई क्योंकि वो अभी तक अर्वाइव नहीं हुए हैं, तो वो थोड़े टाइम में अर्वाइव हो जाएंगे, जब वो अर्वाइव होंगे तभी मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूंगी, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, बाय गाइस, अब चलते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो गाइस हम चलते हैं, बाय गाइस, और अपना ध्यान रखिए गाइस, और इस वक्त बहुत बड़ा वो चल रहा है गाइस, अपना हमेशा ध्यान रखिए।